पालक, धनिया, मेथी, जितने भी बीज लगाए थे, भिंडी के बीज लगाए थे, सारे ग्रो हो गए हैं। आज से 5 दिन पहले इन बीजों को बोया था मैंने, इसका डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये सिर्फ एक अपडेटेड वीडियो है। और तीसरे दिन इस तरीके से छोटी छोटी जर्मिनेशन होने लगती है। जब ऐसी जर्मिनेशन होती है तो तेज़ धूप से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ये जल भी जाते हैं, और पानी स्प्रे करके देना चाहिए। लेकिन अगस्त सितंबर में इसे ओपन में रखने से बरसात का पानी इसमें जाता रहता है, और यदि बरसात नहीं हो रही है तो स्प्रे करके पानी दीजिए। 5 से 6 दिन में 2 इंच की जर्मिनेशन पालक, धनिया वगैरह में हो जाती है। भिंडी में भी अभी मैं दिखाऊंगी। 2 इंच, देखिए ये भिंडी है, इतना बड़ा हो चुका है, 5 बीज लगाए हैं इसमें। ये भी पालक है, धनिया भी ग्रो होने लगा है। और धनिया के सीड्स आप सीड्स के द्वारा यदि लगाते हैं तो जर्मिनेशन फास्ट होती है। वैसे घर में किचन में जो धनिया है उसे भी उगाया जा सकता है, लेकिन उसको तोड़कर और 4-5 घंटों के लिए पानी में भिगोने के बाद ही आप जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेशन जो रेट होता है वो सही होता है जब आप उसे बोते हैं। देखिए ये मेथी है, जैसे ही नीचे से मेथी ऊपर आने लगी है, बिल्कुल इसकी सॉइल देखिए कैसी हो गई है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक अपडेट वीडियो का एक अपडेट दे दूं कि इस तरीके से वेजिटेबल अभी तक आपने नहीं लगाए हैं तो वेजिटेबल्स को लगाइए। छोटे कंटेनर में भी ग्रो होने वाले हैं ये वेजिटेबल, और इसको मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो जिन लोगों को अभी भी ग्रो करने का मन है वो कर सकते हैं। अब जब ये इतने बड़े हो गए हैं तो मैंने इन्हें फुल सनलाइट में ओपन में रख दिया है।